नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ राजकीय सम्मान के साथ शहीद को दी गई अंतिम विदाई। जब जब देश की रक्षा की बात आई है, तब देश की रक्षा में तैनात जवानों ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया है। यही कारण है कि आज भी भारत की रक्षा में तैनात जवानों को सुरक्षा के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ चुना जाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीते 23 दिसंबर को पाक के द्वारा किए गए ग्रेनाइट के हमले में घायल हुए अलीगढ़ के थाना गोंडा के गांव पिसावा गड़ा खेड़ा क्षेत्र के निवासी सीआरपीएफ 162 के जवान नेत्रपाल सिंह शहीद हो गए। श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती जवान ने अंतिम सांस ली। जवान का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुँचने पर राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, पिसावा गांव के नेत्रपाल सिंह का जन्म सन 1971 में अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव पिसावा गड़ा खेड़ा में हुआ था। नेत्रपाल सिंह नाम के फौजी श्रीनगर में सीआरपीएफ 162 बटालियन में सूबेदार के पद पर तैनात थे। वह गत दिनों 23 दिसंबर को पाकिस्तानी हमले में घायल होने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान फौजी की मृत्यु हो गई थी। ग्रेनाइट हमले में शहीद हुए फौजी का शव दिल्ली से होकर थाना गोंडा के पिसावा के खेड़ा गांव में आज शाम 7 बजे पहुंचा। फौजी के शहीद होने के बाद एक तरफ जहां सीना फक्र से चौड़ा हो गया, वहीं परिवार वालों की आंखें गमगीन हो गई। शहीद अपने पीछे परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियों को अपने परिवार में पत्नी समेत छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चल बसे हैं। वहीं 139 बटालियन के स्टंट कमांडेंट प्रशांत यादव इंस्पेक्टर विजय पाल सिंह के नेतृत्व में 14 सदस्यों की टीम के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम सलामी दी गई। सलामी के दौरान अलीगढ़ SDM और CDO अलीगढ़, उप जिलाधिकारी इगलौस, CEO इगलौस सहित शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व BJP जिला अध्यक्ष व सपा नेता विजेंद्र सिंह सहित अन्य नेताओं के द्वारा शहीद को सलामी दी गई। शहीद का शव गांव में आने के बाद गांव के अंदर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। गांव में जैसे ही शाम 7 बजे शहीद नेत्रपाल सिंह का शव पिसावा गड़ा खेड़ा गांव में पहुंचा, तो गांव के जिले भर के लोगों के द्वारा शहीद के अंतिम दर्शन के लिए गांव में लोगों का हुजूम लग गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शहीद के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए सहित शहीद के नाम से एक सड़क निर्माण करवाने की बात कही गई है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया है। उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही शासन की तरफ से शहीद की पत्नी को 50 लाख रुपए और एक नौकरी भी दी जाएगी। स्टंट कमांडेंट प्रशांत यादव ने कहा कि सेना शहीद हुए नेत्रपाल सिंह की शहादत को भूल नहीं पाएगी। आज शहीद को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई है। पाक के द्वारा कायराना हरकत करते हुए ग्रेनाइट से सेना पर हमला किया गया था, जिसमें जवान घायल हो गया। इलाज के दौरान जवान शहीद हो गया था। आज शहीद के शव को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। सर, एक आत्मघाती हमले में कुछ शहीद हुए थे हमारे नेत्रपाल जी, उसके लिए आज यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया है? जो शहीद हुआ उसका सम्मान दिया गया और साथ में इसका कार्यक्रम किया जाएगा और अब इसका किस तरह का हमला हुआ था? ये आतंकवादी एक ड्यूटी करते बीच में ग्रेनेड फेंके, पीछे ग्रेनेड फेंक दिया, उसे ग्रेनेड कार्ड उसके सस्पेंड लग गए, बीच में गिर गया, उन्होंने बहुत उसके लेट नहीं, फिर भी गिनती ब्लास्ट हो गया। उसके बाद गाँव में क्या किया गया है, शहादत को लेकर क्या किया गया है? शहीद की जो भी फैसिलिटी है पूरी भारत सरकार की पूरी दी जाएगी, गरीब बच्चे को सर्विस दी जाएगी और जो भी गवर्नमेंट सारी सरकार द्वारा कुछ दिया भी गया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार वो नियम तो देते ही है, उसे जो गवर्नमेंट के मुताबिक है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट एक हमारा वेब बनाया है, उसके जिसमें उनको 15 लाख का पब्लिक डोनेस करते हैं, उसका ऑटोमेटिकली खाता में 15 लाख रुपये चले जाते हैं और बच्चों को पूरी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी और एक बच्चे को सर्विस देंगे। सर, इनके सिवा और भी कोई सैनिक घायल हुए थे? नहीं, ये कि लेकिन तो घायल हो गए, साथ के नहीं हुए थे, पर उनको ज़्यादा स्पष्ट नहीं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपा। सर, शहादत की शहादत को लेकर किस तरह का यहाँ आयोजन किया गया? शहीद नेत्रपाल शहादत हुई थी, उनके लिए आज शासन की तरफ से माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह और जिले जिलाधिकारी के रूप में मैं आप मौजूद हूँ
माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पूरे राज्य के सम्मान के साथ दृष्टि होनी चाहिए और शासन द्वारा जो अनुबंध सहायता है जिससे 50,00,000 रुपये की धनराशि पत्नी को और एक परिवार के बालिक सदस्य को नौकरी और जो गाँव की जो मुख्य सड़क थी उसका नाम शहीद नेत्रपाल के नाम पर होगा। ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है और हम लोग इसी क्रम में यहाँ पर आए थे और वही मुझे पूरे परिवार को और शहीद को श्रद्धांजलि और पूरे परिवार के साथ मुझे मेरी पूरी जो है स्वीकार करता हूँ और मैं पूरे परिवार की अपेक्षा ये करूँगा कि जो अपोजिट है उसका सहन करें और जो नुकसान हुआ है उसे